हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखी दोस्तों। निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट तक गिर गया था और बीएससी सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट रही। 52,553 में 586 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी बैंक में 35,080 के आसपास है, 672 पॉइंट की गिरावट है। तो निफ्टी 50 जो है 171 पॉइंट गिरा है, 15,752 में क्लोजिंग आई है। लगभग 1 से 2% की गिरावट रही है और इसमें 2-3 पॉइंट है गिरने के जो कारण रहे। एक तो ग्लोबल संकेत और दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट अपने ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा है और 15,950 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है निफ्टी 50। वहाँ से एक तरह से मुनाफा वसूली हो रही है जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा आगे आने वाले दिनों में इस तरह का हमको वॉलेटाइल मार्केट देख सकता है और जम करता हुआ भी दिख सकता है दोस्तों। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और आज बढ़ने वाले शेयरों में NTPC है 121 तक पहुंच गया, BPCL है 453 तक और डिवीज है ऊपर की तरफ है, नेस्ले में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, तो ये शेयर ऊपर की तरफ थे। आगे आने वाले दिनों में देखिए, एक तरह से जो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस बना हुआ है 16,000, उसको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि FIIs बिकवाली कर रहे हैं दोस्तों। लगभग 4,500 करोड़ का इन्होंने बिकवाली की है अभी तक और डेट में खरीदारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में संकेत ये है कि मार्केट में गिरावट होगी, यानी मीन्स अगस्त के महीने में और या सितंबर के महीने में। तो अब जुलाई का महीना देखिए, आज 19 तारीख हो गई है, 6-7 ट्रेडिंग सेशन के बाद अगस्त का महीना लगेगा। तो अगस्त में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और एक जंप अगर निफ्टी में आएगा तो इसी तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 यहाँ से 16,300, 16,400, 16,500 तक भी जाता है तो बढ़ने वाले शेयर कौन से होंगे? बड़े ही होंगे, मीन्स HDFC बैंक बढ़ जाएगा या फिर रिलायंस बढ़ जाएगा, भारतीय एयरटेल बढ़ जाएगा और TCS बढ़ जाएगा, इन्फोसिस बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर देन इस गिरावट में इन शेयरों को लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म का लगे काम हो जाएगा और जो लॉन्ग टर्म के लिए हाई है उनका तो वैल्यू बढ़ी रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर 100 पॉइंट भी नीचे की तरफ है, अगर उन्होंने इन्फोसिस को 1,000 में खरीदा या TCS को 2,000 में खरीदा तो फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। फर्क उनको पड़ना है जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करता है, पुट एंड कॉल में कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको फर्क पड़ सकता है दोस्तों। तो जो आज बाजार में गिरावट है, आने वाले दिनों के लिए एक तरह से संकेत है कि इसमें गिरावट बढ़ सकती है। बट निफ्टी 50 एक तरह से 16,000 को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद जो है मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, उसके बाद जो है मार्केट में एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। और अगर पूरे ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट होती तब इंडियन मार्केट में ज़्यादा गिरावट की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए, अलर्ट भी रहना चाहिए। नेक्स्ट 1 या 2 महीने में एक चांस मिलना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, और जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हैं तो मार्केट गिरती है तो सेल करने लग जाते हैं और जब बढ़ती है तो बाय करने लग जाते हैं। तो अच्छे शेयरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छे शेयरों को अगर पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें 5 से 10% या 20% भी अच्छा एक रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। पहली तिमाही का रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, पहली तिमाही के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से कमी बेसी दिख रही है, साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो उनमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कारण ये था कि पिछले साल एक तरह से जो लॉकडाउन था तो अब की बार थोड़ी सी ढील थी और कम लॉकडाउन था, यानी जून में एक तरह से लॉकडाउन खुली गया था, उससे पहले भी अप्रैल के बाद में लॉकडाउन किया बहुत सारे स्टेट्स ने, तो इसकी वजह से साल दर साल के हिसाब से अच्छा एक प्रॉफिट दिख रहा है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कमी पेशी है, तो ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से अगर कमी पेशी है तो इसमें स्टॉक्स में गिरावट की संभावना बढ़ेगी आने वाले समय में। इसमें करना यही है कि बाजार में अगर गिरावट होती तो अच्छे स्टॉक्स को देखना चाहिए, मार्केट में धीरे धीरे एक तरह से बाय करना चाहिए। और तो मार्केट में जो आज गिरावट रही 19/7/2021 को, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। YouTube चैनल इंडिया रियल सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।